यहाँ पे रोड ख़त्म, यहाँ से इंडिया का रोड स्टार्ट होता है। ये है इंडिया का रोड, स्टार्टिंग रोड विजयनगर तरफ से। यहाँ से मियाँ 140 किलोमीटर, और ये हो गया विजयनगर। बहुत दिन से मन था विजयनगर आने का। ये था विजय के लिए विजयनगर 0 किलोमीटर। इसके बाद और कोई रोड नहीं है। वो जो आगे वो उस तरफ बर्मा है, इस तरफ बर्मा है, इस तरफ भी बर्मा है, ये तरफ भी बर्मा, ये तरफ भी बर्मा। सिर्फ जो सीधा सीधी जो हम लोग का विशाल का पीछे में, उस तरफ है इंडिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर स्पेशल स्पॉट। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो, देन वेलकम टू माय फेसबुक पेज कबीर स्पेशल स्पॉट। गाइस, इस वक्त मैं हूँ विजयनगर में, जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, लास्ट टाउन है, और ये फुल्ली अनएक्सप्लोर्ड टाउन है, अनटच टाउन है। इस टाउन को आज मैं फुल्ली एक्सप्लोर करूँगा। अगर आप लोग जानना चाहता हूँ मैं विजयनगर कैसा आया हूँ, तो मेरा आगे वाला वीडियो देखने से आप लोग को मालूम चल जाएगा मैं विजयनगर कैसा कैसा आया हूँ और कौन कौन आया हूँ। एक्चुअली मेरा साथ, मैं बाइक लेके विजयनगर आया हूँ, मेरा साथ आया विशाल, और हम लोग अभी विजयनगर का एक आईबी में रुका हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ से आईबी से निकल के फुल्ली विजयनगर को एक्सप्लोर करेंगे। विजयनगर में क्या है, विजयनगर कल्चर को फुल्ली एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। विजयनगर इंडिया और बर्मा का बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर में है, और विजयनगर आना कितना टफ है आप लोग को वो जानना है, तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेने से आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जिस मतलब रेस्टोरेंट पर, या रिजोर्ट बोला जाए, या आई बी बोला जाए, या सर्किट हाउस बोला जाए, कुछ भी हो, तो यहाँ का मतलब बैक साइड में एक खूबसूरत सा एक प्लेस है। यहाँ पे नाइट कैंपिंग होता है, यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ है, तो रात में यहाँ पे लाइट उट जलाता है, यहाँ पे मतलब कुछ पार्टी वगैरह सब कुछ होता है। तो रात का जो यहाँ का व्यू होगा वो भी खूबसूरत व्यू होगा, वो भी व्यू शेयर करेंगे। यहाँ पे टेंट है, और वो भैया है, वो भैया मतलब यहाँ का जो मेन केयर टेकर है। अभी ये भैया से हम लोग सब कुछ नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले के मतलब सब कुछ, मतलब अभी कहाँ कहाँ जाना होगा। एक्चुअली मतलब क्या हो गया, विजयनगर में अभी बात करके मुझे एक चीज़ मालूम चल गया, विजयनगर में आने से कुछ दिन, मतलब एक दिन से, एक दिन के लिए नहीं होगा, मतलब 3-4 दिन यहाँ पे रहना होगा। 3-4 दिन रहने का बाद जाके विजयनगर को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकेंगे, लेकिन हम लोग तो 3-4 दिन पॉसिबल नहीं है। दूर में जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वो पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़ का पीछे में है बर्मा, मतलब चारों तरफ बर्मा है, सिर्फ उधर है इंडिया, मतलब ये लास्ट है, एक वैली है। चारों तरफ जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इस मैं आगे में जाके हेलीपैड भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा वहाँ से, मतलब आप लोग को फुल चारों तरफ बर्मा घेरा हुआ है, इस लैंड को, लैंड को घेर के रखा है, सिर्फ इंडिया उस तरफ इंडिया है। अभी हम लोग विजयनगर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जा रहे हैं, देखते हैं कैसे मिलता है। ये है विजयनगर, अभी से आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा, विजयनगर का फुल सीन, फुल व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब ये वैली है, मतलब इतना सब मतलब पहाड़ सब क्रॉस करके आया, लेकिन ये जो लैंड है ना विजयनगर, फुल्ली प्लेन लैंड है। देखिए जैसे मतलब ये इतना ऊंचाई पे है, मतलब मालूम ही नहीं चल रहा है, फुल्ली प्लेन लैंड है। वही मुझे देख के मतलब ताज्जुब हो रहा है, मतलब कहीं पे चढ़ाई नहीं है, कहीं पे डाउन नहीं है, फुल्ली मतलब प्लेन लैंड है, और चारों तरफ पहाड़, बीच पे ही है टाउन। सचमुच बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब बर्मा का पहाड़ है, पहाड़ का उस तरफ सब बर्मा है। आगे में सुनने को आया दुकान उकान भी है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग को पेट्रोल भी ख़रीदना है, क्योंकि पेट्रोल हम लोग को चाहिए, पेट्रोल चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत दूर जाना है ना रिटर्निंग का टाइम में। यह सब घाट सब है। अभी पहले हम लोग जाएंगे हेलीपैड बोल के, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ उसके बाद नदी है, नदी में जाएंगे, उसके बाद आर्मी कैंप जाएंगे। व्यू मस्त व्यू है, लेकिन मतलब इस व्यू का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बोलता है ना रोड ख़त्म नहीं होता है,
यहाँ पे आके इंडिया का रोड ख़त्म। यहाँ पे विजयनगर 0 किलोमीटर और ये है इंडिया का लास्ट रोड। यहाँ का बाद कोई रोड नहीं है, ख़त्म। ये है इंडिया का लास्ट रोड, यहाँ पे रोड ख़त्म। यहाँ से इंडिया का रोड स्टार्ट होता है। ये है इंडिया का रोड, स्टार्टिंग रोड विजयनगर तरफ से। यहाँ से मियाँ 140 किलोमीटर और ये हो गया विजयनगर। बहुत दिन से मन था विजयनगर आने का। ये था विजयनगर 0 किलोमीटर। इसके बाद और कोई रोड नहीं है। वो जो आगे वो उस तरफ बर्मा है, इस तरफ बर्मा है, इस तरफ भी बर्मा है, ये तरफ भी बर्मा, ये तरफ भी बर्मा। सिर्फ जो सीधा सीधी जो हम लोग का विशाल का पीछे में उस तरफ है इंडिया। मतलब चारों तरफ बर्मा, सिर्फ इंडिया से यहाँ पे एंटर होता है। इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी, मतलब कहीं पर भी फोटोग्राफी या पूछ पूछ के लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे प्रीत, क्या नाम रहा, प्रीत नगर पे भी कुछ है, वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या क्या है। गाइस, ये विजयनगर का एक दुकान है। अभी इस दुकान से हम लोग मतलब कुछ सामान खरीदा है विजयनगर पे। सब कुछ मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब खाने के लिए हम लोग का कुछ सामान ले लिया, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा वहाँ प्रीत नगर में जाएंगे, इसीलिए खाने का सामान ले लिया, वहाँ पे जाके खा लेंगे। ये है वो दुकान। अगर आप लोग विजयनगर आते हैं तो यहाँ पर आकर खाने का सामान के लिए, यहाँ पे ये है दुकान का ओनर, आप खाने का सामान यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस, प्रीत नगर जाने के लिए एक मतलब ऑफ रोडिंग है, इसको ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से बाइक लेना पॉसिबल नहीं है। ये वो प्लेस है, लेकिन प्रीत नगर जाऊँगा कि नहीं, एक तो आप लोग अभी देख ही पा रहे हैं ज़बरदस्त बारिश दे रहा है, और बारिश में हम लोग जा पाएंगे कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस स्पॉट में अभी हम लोग अपना जो लंच है ना, देखिए कल सुबह मम्मी ने जो बना के दिया वो अभी तक ख़त्म नहीं है, वही अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के खा लेंगे। और यहाँ का जो व्यू है ना, ये भी व्यू ज़बरदस्त है। और ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाने से एक 17th century का एक जो मॉनेस्ट्री है वो वहाँ पे भी जाने का मन है। अगर बारिश रुक गया तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बारिश नहीं रुका तो जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्लॉथ है नहीं, और ये भीग गए ना ठंडा में मतलब हालत पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मतलब यहाँ पे बारिश हो रहा है, मतलब इतना ठंड में बारिश, वो भी मतलब कैसे लग रहा हो हम लोग को मालूम, पूरा भीग गया जैकेट वगैरह सारा भीग गया। लेकिन अभी बारिश होने की वजह से एक चीज़ देखने को मिला, और वो है वो रेनबो। कैमरा में कितना दिखाई दे रहा है मुझे मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग को फुल्ली क्लियर दिखा। अभी धीरे धीरे वो विजिबिलिटी और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मस्त लग रहा है। विजयनगर में आज रेनबो देख लिया, कसम से बहुत सुंदर व्यू है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मतलब यहाँ पे लंच करेंगे। क्या हो गया, हम लोग को कल में जो मेरा माँ ने बना के दिया था ये आलू मटर और लुच्ची, तो हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं किया कल लंच में, पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो अभी ये हम लोग खा लेंगे, और कल रात भी हम लोग तो वहाँ पे ही भात खा लिया था, और इसलिए ये बच गया था। ये मतलब वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि खाना है ना, इसलिए हम लोग आज इसको ख़त्म करके फिर जाके रात का खाना वहाँ पे मतलब जो डिनर होता है वहाँ पे कर लेंगे। तो गाइस, वहाँ हम लोग मतलब जहाँ पे लंच किया था ना, वहाँ पे मतलब लंच करने के बाद, उस व्यू पॉइंट में लंच करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल के रूम में आके यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया। अभी हो गया शाम का 7 बज गए, और मतलब उस टाइम वहाँ पे तो बारिश हो रहा था ना, तो अभी भी यहाँ पर भयंकर बारिश हो रहा है। और मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर में पहाड़ में पूरा स्नोफॉल हो रहा है, ठंड काफ़ी ज़बरदस्त ठंड है। यहाँ पे मतलब विशाल भी थोड़ा रेस्ट किया और मैं भी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था। और अभी हम लोग यहाँ से, अभी मैं आप लोग को मतलब यहाँ का जो बाहर का जो व्यू है ना, उस व्यू को अभी मैं शेयर करूँगा, जो मतलब पूरा बारिश हो रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी तो स्नो इतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्नो यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा था कि यहाँ पे भी स्नो, रात को स्नो गिरने का चांसेस है, क्योंकि बारिश ज़बरदस्त हो रहा है ना। तो बाहर में तो अंधेरा है, फिर भी देखता हूँ कुछ अगर दिखाई देता है तो। ये देखिए पूरा बारिश हो रहा है,
अभी मैं दिखा रहा हूँ, दरवाजे को थोड़ा बंद कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है, ये देखिए हम लोग का बाइक यहाँ पे खड़ा है, और जो व्यू है उस व्यू के बारिश में भीज के यहाँ का नाइट व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। यही है यहाँ का रिजोर्ट का। सोच रहा बाहर में मतलब आज थोड़ा आग उग जला के बैठेंगे, मगर बारिश होने के कारण आज यहाँ पर आग जलाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे रात में मतलब लाइट उच जला के यहाँ पे मतलब डीजे नाइट उच होता है, बट आज कुछ भी नहीं हुआ। आज सब कुछ मतलब बारिश का वजह सब चौपट हो गया हम लोग का। तो अभी यहाँ पे एक टेंट है, उस टेंट पे आग जलाया, अभी उस टेंट पे जाएंगे। ये किचन है, उस टेंट में जाके कुछ यहाँ का इन्फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को जो विजयनगर है ना, विजयनगर के ऊपर शॉर्ट एक मतलब स्टोरी नहीं, आप लोग को ये जानना भी चाहिए ना। विजयनगर इंडिया का एक बॉर्डर एरिया है, और विजयनगर इंडिया का लास्ट है, ठीक है। और विजयनगर का चारों तरफ बर्मा है, बीच में वैली है, उसको बोला जाता है विजयनगर। अभी विजयनगर कहाँ से आया, कब आया, ये मैं यहाँ का जो लोकल पब्लिक है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। 1960 से 65 तक, 55 का अंदर में विजयनगर किसी का अंडर में नहीं था, ये एक न्यूट्रल पार्ट था, ना चाइना का था, ना बर्मा का था, ना इंडिया का था। तो उस टाइम पर चाइना भी इधर में कब्जा करने के लिए सोच रहा था, बर्मा का थ्रू चाइना आना चाहता था। तो उस टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट क्या किया ना, अगर यहाँ पे कब्जा कर लिया ना तो अरुणाचल में एंटर करना सुविधा हो गया, क्योंकि ये बहुत हाइट पे। तो अब क्या किया इंडिया गवर्नमेंट, पहले आसाम राइफल को यहाँ पे बिठा दिया। आसाम राइफल आके पहले इस जगह पे विजयनगर में आके बैठ गया। तो आसाम राइफल पे उस टाइम पे आई थिंक नेपाली लोग कुछ मतलब ज़्यादा था रेजिमेंट में, इसलिए यहाँ पे 50% जो है ना यहाँ का लोकल पीपल है, जिसको लिसु बोला जाता है, और 50% है नेपाली। तो यहाँ पे नेपाली है 50 नहीं, एग्जैक्ट रेशियो मुझे मालूम नहीं, 50 या 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन विजयनगर ऐसे ही बसा। मतलब ये पहले किसी का 1960 से 65 का अंदर में एग्जैक्ट मैं ईयर में आप लोग को बाद में बता दूँ। कल मैं कोशिश करूँगा यहाँ का लोकल पब्लिक से एग्जैक्ट डेट कौन था, कौन ऑफिसर था आसाम राइफल का, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने का कोशिश करूँगा। बट पहले यहाँ पे आसाम राइफल ही था, और आज भी देखा हूँ यहाँ पे आसाम राइफल ही है। मैंने इस वीडियो में जो जो आप लोग का साथ शेयर किया, जो जो व्यू आप लोग का साथ दिखाया, और मैंने कैसे आया, आई थिंक आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। मैं तो अपना सब 100% दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा, और बाकी गॉड नोज आप लोग को अच्छा लगता है क्या नहीं हो, तो मतलब आप लोग को पता है, भगवान को पता है। अगर अच्छा लगा देन मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो ना, तो काइंडली मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद।